तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं हर एक क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करने वाला हूं, तो दोस्तों इसके EHI 05 का जो इग्नू का हिस्ट्री का जो मॉडर्न हिस्ट्री की जो किताब है उसका जो पहला ब्लॉक है, उस पहले ब्लॉक के पहले चैप्टर के जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए थे उन क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो उसका पहला क्वेश्चन जो था उस क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करेंगे। ऐसे करके मैंने 148 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, हर क्वेश्चन की एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं, तो आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है उसमें मेनली पूछा गया है कि मुगल एम्पायर का डिक्लाइन किस तरीके से हुआ था, तो इसको एक्सप्लेन करने को बोल रखा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से आंसर दे सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इस तरीके से दे सकते हैं कि जैसे कि हमने पहले बता दिया कि मुगल एम्पायर स्टार्ट कहाँ से हुआ था, कि द मुगल एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय द जहीरुद्दीन बाबर इन 1526 दैट अक्लेम्ड इट्स फुल ग्लोरी अंडर द एम्परर अकबर इन सेकेंड हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी बिगिन ऑफ रैपिडली डिक्लाइन सिंस द रिजाइम इट्स लास्ट ग्रेट रूलर औरंगजेब। कहने का मतलब जो आपका ये मुगल एम्पायर था इसको स्टार्ट करने वाले का अगर नाम हम बात करें तो वो था कौन, जहीरुद्दीन बाबर। बाबर ने इसको स्टार्ट किया था 1526 में, और इसने जो अपनी टॉप पीक 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 जो टाइम था इसका, पीक टाइम सबसे अच्छा जो टाइम था इसका, वो इसका था अकबर के टाइम पे। और फिर 16th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो 16th सेंचुरी के बाद में हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, सेकेंड हाफ ऑफ जो है 16th सेंचुरी का, वहां से इसका डिक्लाइन शुरू होने लग गया। कब से? जब से औरंगजेब गद्दी पर बैठा था। इन फैक्ट द डिक्लाइन बिगेन ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ द औरंगजेब। यहाँ तक कि हम यूँ भी कह सकते हैं कि औरंगजेब के जो लास्ट के दिन थे तब से ही डिक्लाइन इसका शुरू हो गया था। देन अगर हम आगे बात करें तो देर वर मैनी कॉजेज ऑफ डाउनफॉल फॉर ऑफ दिस ग्रेट डायनेस्टी। इस ग्रेट डायनेस्टी के फॉल करने के कई कारण थे, कई कारण हम बोल सकते हैं। जैसे कि एक आपका औरंगजेब वॉज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ औरंगजेब, तो इसका रिस्पॉन्सिबल था ही। और इसके जो प्रेडिसेसर्स थे, हिज प्रेडिसेसर्स डिड अ लॉट ऑफ विन ओवर द लॉयल्टीज देयर सब्जेक्ट पर्टिकुलरली द राजपूत एंड हिज हिंदूज। अब औरंगजेब से पहले के जो जितने भी एम्परर थे वो सारे के सारे क्या थे कि वो लॉयल्टीज को गेन करने के लिए बहुत कुछ करते रहते थे। किसकी लॉयल्टी? राजपूतों को और हिंदुओं को हमेशा अपने तरफ रखना चाहते थे हमेशा, तो इसके लिए वो बहुत कुछ करते रहते थे ताकि उनकी लॉयल्टीज को वो जीत के रखें। लेकिन औरंगजेब जो था वो अपने धर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा कट्टर था, तो उसने क्या किया कि उसने क्या कर दिया, उसने जजिया को इम्पोज कर दिया। क्या? ही इम्पोज जजिया एंड फॉरबेड द सेलिब्रेशन ऑफ हिंदू फेस्टिवल्स। उसने क्या करा, जजिया को कह दिया कि जजिया लगाओ और हिंदू फेस्टिवल्स के सेलिब्रेशन आप नहीं कर सकते, इसको आप इसने रोकने की कोशिश की। देन ही दस लॉस्ट द फ्रेंडशिप ऑफ एंड द लॉयल्टीज। और इसी वजह से क्या हुआ कि इसकी फ्रेंडशिप जो थी, लॉयल्टीज और फ्रेंडशिप कहें और लॉयल्टीज जो थी वो राजपूत से इसकी खत्म हो गई। अब एग्जीक्यूशन ऑफ सिख गुरु एंड हिज एनिमिटी विद मराठा फोर्स्ड देम टू राइज आर्म्स अगेंस्ट हिम। अब इसने जो सिख गुरु के लिए जो एग्जीक्यूशन किया था और मराठा से इसकी जो लड़ाई थी, ये क्या था, इनकी वजह से क्या था कि उन लोगों को इसके खिलाफ क्या और औरंगजेब के खिलाफ में क्या करना पड़ा, अपने शस्त्र उठाने पड़े। His successive obsessions with the Deccan also destroyed the Mughal army, the treasury and also the adversely affected his health. अब इसके एक्सेसिव ऑब्जेशन और जो डेक्कन की तरफ में हमेशा ये क्या करता है, इसी देखो ये जो था, इसने अपनी लाइफ के 25 साल सिर्फ डेक्कन में लड़ाई करने के लिए लगा दिए थे। और 25 साल सोचो कि जब 25 साल ये डेक्कन में लड़ता रहा तो 25 साल के लिए क्या हुआ कि 25 साल के लिए दिल्ली की जो गद्दी थी वो खाली रही होगी। और 25 साल लड़ाई में ऐसा तो है नहीं कि पैसा खर्च नहीं होता, तो पैसा बहुत खर्च किया इसने, अपनी ट्रेजरी खाली कर दी, ये समझ लो। डिस्ट्रॉयड द मुगल आर्मी एंड द ट्रेजरी also adversely affected by the and affected health, और इसकी health भी बहुत खराब रही। They too turned against him. He laid too much stress on the simplicity and was against singing. ये क्या है कि ये ना simplicity के लिए कुछ ज़्यादा ही प्रेमी था, simplicity के लिए, और singing पसंद नहीं करता था, dancing पसंद नहीं करता था, drinking और ये सब जो common habit थी Muslim nobles की, इनसे बिल्कुल खिलाफ रहता था, ठीक है, इनके बिल्कुल खिलाफ रहता था। देन उसके बाद क्या था कि दे डिड नॉट लाइक अ किंग हाउ वॉज सो मच अगेंस्ट देयर वेज। अब जो नॉबल्स थे, मुस्लिम नॉबल्स थे, वो इसको पसंद नहीं करते थे।
औरंगजेब दस हिमसेल्फ गेव अ ग्रीन सिग्नल टू द फोर्सेस ऑफ डेके, उसने अब अपने ही अंपायर को खराब वो खत्म करने के लिए उसने ग्रीन सिग्नल खुद ही दे दिया। एंड आफ्टर हिज डेथ माइटी एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड इनटू द स्मॉल स्टेट, और औरंगजेब के मरने के बाद ये जो इतना बड़ा एम्पायर था ये क्या छोटे छोटे पार्ट्स में टूटता चला गया। द सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के बाद के जो जो राजा आए वो सारे के सारे सब वीक और इनकम्पिटेंट और किसी मतलब के नहीं थे, ठीक है। देन उसके बाद लेटर मुगल स्पेंड मोर टाइम इन देयर हैरम्स एंड द प्लेजर एंड सून लॉस्ट द कंट्रोल। अब जो बाद के जो मुगल्स आए थे, औरंगजेब के बाद के जो राजा थे वो क्या थे कि ज़्यादातर उनका क्या काम था कि भैया आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं, प्लेजर वाली लाइफ, मतलब फुल कंट्रोल अपना प्लेजर वाली लाइफ, मतलब आराम से रहना चाहते थे। इस वजह से क्या हुआ, जब कोई इंसान आराम से ज़्यादा ही कुछ आराम से रहेगा और आलसी हो जाएगा तो उसका कंट्रोल उसकी स्टेट से क्या हो जाएगा, किसी उस राजा का कंट्रोल उसकी स्टेट से छूट जाएगा। तो लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द स्टेट्स, द मुगल डिड नॉट फॉलो एनी डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन। मुगल्स ने क्या कहा था, लॉ ऑफ सक्सेशन कोई भी डेफिनेट फॉलो किया ही नहीं। कहने का मतलब कोई लॉ ही नहीं था कि कोई अगर एम्परर मर जाता है तो उसके बाद उसका बड़ा बेटा बनेगा, छोटा बेटा बनेगा, बीच का बेटा बनेगा, जो भी बनेगा उस गद्दी पर बैठेगा, उसके लिए कोई भी लॉ नहीं था। इस वजह से क्या होता था कि कोई भी राजा जब मरता था तो उसके बेटों में होती थी लड़ाई, लड़ाइयाँ होने के बाद में कहानी क्या होती थी कि इस वजह से क्या होता था कि कभी कभार लड़ाई, इन्हीं लड़ाइयों के चक्कर में, क्योंकि कुछ डेफिनेट कोई बैठ नहीं सकता, लड़ाइयों के चक्कर में आपस में ये कट मर जाते थे, बहुत सारा नुकसान कर लिया करते थे, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ एवरी एम्परर देर एंश्योर्ड अ ब्लडी वॉर ऑफ सक्सेशन, हर एक के मरने के बाद एक ब्लडी वॉर ऑफ सक्सेशन होता था उसके बेटों के बीच में, ये चीज़ मैंने आपको बताई। देन उसके बाद अगर हम बात करें, ईच वन यूज्ड नॉबल्स एंड द मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली टू गेट थ्रोन्स, देयर बाय डिवाइडिंग द नॉबल्स Who fought for their self-interest only? अब हर एक जो देखो, अब मान लो कोई राजा है, उसके तीन बेटे, तो तीन बेटे अलग अलग नॉबल्स को और मेंबर्स को रॉयल फैमिली के जो होंगे उनको लेकर के चलेंगे कि भाई तू मेरी साइड में रह, मेरी साइड में रह, मेरी साइड में रह। इस चक्कर में क्या होता था, फायदा उनका तो कुछ नहीं होता था, उन नॉबल्स का काफ़ी फायदा हुआ करता था, और वो खुद ही अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अब जो नॉबल्स थे वो खुद अपना सेल्फ इंटरेस्ट के लिए भाई किसी को भी चढ़ा दिया करते थे, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि इसकी वजह से एनार्की आ गई। देन उसके बाद नॉबल्स रिस्टोर्ड टू कॉन्स्पिरेसीज एंड मेड द मुगल पावर वीक। अब ये जो नॉबल्स थे ये क्या करते थे, षड्यंत्र रचते थे, और मुगल पावर को इन्होंने क्या कर दिया, वीक और वल्नरेबल बना दिया मुगल पावर को, सारे षड्यंत्र रच के नॉबल्स ने। अब द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ एम्पायर वॉज रूइंड बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट वार। जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब फाइनेंशियली अगर देखें, अब इसने क्या करा कि ये कॉन्स्टेंट वॉर में, औरंगजेब जो था वो कॉन्स्टेंट वॉर में लगा रहता था, और इसके बाद के जो सक्सेसर्स थे वो भी वो वॉर में इतना खास नहीं लगे थे, उन्हें तो वॉर करने की इच्छा नहीं थी क्योंकि वो तो प्लेजर वाले इंसान थे, उन्हें क्या लड़ाई से मतलब, ठीक। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी जो आपकी, जो फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो वो आपका जो तिजोरी थी वो सारी की सारी, जो राजघराने की तिजोरियाँ थी वो सारी की सारी खाली हो रखी थी, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम खजाना देखें, खजाना खत्म था। सम ऑफ द वॉर डिड नॉट एड इवन इन एन इंच टू द मुगल, और कुछ वॉर तो ऐसे थे जिनको लड़ा गया और बहुत पैसा उड़ाया गया लेकिन एक इंच जमीन भी मुगल एम्पायर के हत्ते नहीं चढ़ी उन वॉर्स में, ठीक है। बिसाइड द मुगल रूलर्स स्पेंड लाइविशली ऑन द बिल्डिंग्स एंड मोमेंट, और इसके अलावा क्या, मुगल रूलर्स जो थे वो क्या करते, बिल्डिंग पे और मोनूमेंट्स पे भी मूवमेंट्स, बिल्डिंग एंड मोनूमेंट्स, सॉरी यहाँ पे मूवमेंट लिखा हुआ है, बिल्डिंग्स और मोनूमेंट्स पे भी बहुत ही ज़्यादा पैसा उड़ाया करते थे, ठीक है। देन फाइनली द फॉरन इन्वेजन कम्प्लीटली शैटर्ड द इकनॉमी। अब उसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद ये सब तो होता ही था, फिर उसके बाद फॉरेन इन्वेजन हो गया, मतलब बाहर से लोग आ गए इनके ऊपर आक्रमण करने के लिए, इससे क्या हुआ, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ही दिक्कत में आ गई और ख़राब हो गई। अब बाहर से कौन आया, बाहर से आया था एक था नादिर शाह, ठीक है। नादिर शाह बाहर से आया था तो उसने दिल्ली सल्तनत, वो दिल्ली के जो एम्पायर था मुगल एम्पायर, उसके ऊपर में क्या था, उसके ऊपर हमला किया, इससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। एन एक्सेस ऑफ वेल्थ एंड लग्जरी मेड बाय मुगल आर्मी लेजी करप्ट एंड एम्पायर। अब ज़्यादा ही वेल्थ और लग्जरी जब मिल जाती है आर्मी को तो आर्मी क्या हुई, आर्मी करप्ट हो गई और इनएफिशिएंट हो गई, किसी काम की नहीं रही। करप्ट हो, अगर कोई चीज़ करप्ट हो जाए तो वो काम की तो रहती ही नहीं है, ठीक।
देन उसके बाद अगर हम बात करें द सोल्जर्स एंड द जनरल्स बिकेम प्लेजर लविंग इजी। अब जो सोल्जर्स थे और जो जनरल्स थे वो क्या प्लेजर लविंग हो गए और इजी गोइंग। प्लेजर लविंग मतलब आराम फरमाने वाले हो गए। अब वो आराम फरमाने होने की वजह से क्या हुआ कि इसकी वजह से वो क्या वो डिसलॉयल प्रूव्ड होने लग गए, डिसलॉयल होने लग गए। क्यों? क्योंकि मान लो कि एक आदमी है जिसके पास सोल्जर्स मतलब इंडियन आर्मी ही समझ लीजिए, वैसा ऐसा कुछ होता नहीं है, इंडियन आर्मी छोड़िए ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बाकी हम मान लेते हैं कि एक एम्पायर की आर्मी है जो कि जिसके सोल्जर्स जो हैं वो बहुत ही लेजी हैं, आराम फरमाने वाले हैं। और मान लो कि एकदम से राजा के ऑर्डर्स आ जाएं कि तुमको अब लड़ना है तुमको, लेकिन उन्हें क्या है उनको अब आदत पड़ी हुई है कि भैया वो तो अब आराम फरमाने के लिए। लेकिन फिर अब इसमें ऐसा सोचिए कि सामने वाली जो जिस राजा की सेना से लड़ाई होने वाली है वो राजा उन लोगों को थोड़ा पैसा दे दे तो वो क्या होगा, वो थोड़े से वो पैसे के लालच में आके करप्ट भी हैं, पैसा ले लेंगे, घूस खा लेंगे, तो इससे क्या होगा वो लड़ेंगे नहीं, तो इससे क्या होगा वो डिसलॉयल हो गए। क्या हो गए? वो अपने राजा के लिए डिसलॉयल प्रूव होने लग गए। देन उसके बाद अगर हम बात करें नाउ दे कुड नॉट इवन गो टू द बैटल फील्ड विदाउट देयर ट्रेन ऑफ अटेंडेंट्स एंड द वुमेन्स। अब वो बैटल फील्ड में अपने अटेंडेंट्स और वुमेन्स मतलब औरतों का बहुत शौक था उनको, तो अपनी अटेंडेंस और वुमेन्स के बिना तो वो मतलब अब रण क्षेत्र में कोई अपने अटेंडेंस और वुमेन्स के साथ में जा रहा है तो फिर क्या ही बोलेंगे हम, वो क्या ही लड़ेगा। सोचो कि एक क्षत्रिय को जाना चाहिए कैसे, एक घोड़े पर जाना चाहिए या फिर रथ में जाना चाहिए, और वो जा रहा है पालकी में और औरतें उसके साथ जा रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर वो कैसी लड़ाई लड़ने वाला है, तो उससे लड़ाई तो होगी नहीं। ठीक, देन उसके बाद समटाइम्स दे ओनली फॉट फॉर मनी एंड ईजिली सकम्स टू ब्राइब। और कभी कभार तो ऐसा होता था कि वो सिर्फ किसके लिए, पैसे के लिए ही लड़ते थे और घूस में बहुत जल्दी आ जाया करते थे। देन उसके बाद न्यू पावर्स सच एज द सिख जाट मराठा ऑन टू द सीन। अब उसके बाद नई पावर्स आ गई, कुछ सिख उभर के आ गए, मराठा उभर के आ गए सीन में, तो इससे भी बहुत ज़्यादा हुआ। फिर ग्रेजुअली दे ब्रोक ऑफ फ्रॉम द मुगल डोमिनेशन। इसके बाद क्या हुआ कि मुगल डोमिनेशन से ये अलग हो गए, मुगल डोमिनेशन से जब ये अलग हो गए उन्होंने क्या किया अपनी खुद की अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना दी, जैसे मराठा स्टेट्स बना दी और आपकी ये इधर हैदराबाद की स्टेट बन गई और हैदराबाद की स्टेट न्यू स्टेट्स बन गई, ऐसे करके काफ़ी स्टेट्स बन गई। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद यूरोपियंस आ जाते हैं और यूरोपियंस में भी ब्रिटिश का बहुत बड़ा रोल है, तो इंपॉर्टेंट रोल इन पुटिंग द मुगल एम्पायर को ख़त्म करने में ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा रोल है इस चीज में देखा जाए तो। ठीक है, देन उसके बाद आपका आता है द फर्स्ट ऑब्टेन्ड अ फ्री मैन टू ट्रेड। सबसे पहले ब्रिटिश ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया फ्री मैन टू ट्रेड मतलब फ्री ट्रेड के लिए उन्होंने सबसे पहले ऑब्टेन कर लिया जिसे हम बोलते हैं दस्तक। देन उसके बाद ग्रेजुअली बिगेन उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या करा कि इंडियन पॉलिटिक्स में भी अपना इंटरफियर करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उन्होंने क्या करा ब्रिटिश एम्पायर को पूरा इस्टेब्लिश करने के बाद लास्ट 200 साल तक राज किया। तो दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन था डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये आंसर। तो ऐसे ही मैं एक एक करके सारे आंसर्स अपलोड करने वाला हूँ, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपका भी फ़ायदा हो और मेरा भी फ़ायदा हो। आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और बहुत ही अच्छा आपको ये लगने वाला है सेशन। देन उसके बाद हम अगली वीडियोस लेके आए, अगली वीडियो में आप देखें तो आप अगली वीडियो में आपको मिलेगा। इससे पहले मैंने क्वेश्चंस की वीडियो डाल रखी है, आप क्वेश्चंस जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।